जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिटर्न टेस्ट के बारे में। एसएससी जीडी रिटर्न टेस्ट के लिए जो एडमिट कार्ड्स है या जो एप्लीकेशन का जो स्टेटस है साथियों, वो आ चुका है। इसमें अगर हम बात करें दोस्तों एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट का एडमिट कार्ड या स्टेटस की अगर हम बात करें या टेस्ट की हम बात करें, तो एसएससी जीडी का जो टेस्ट है वो 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक होने वाला है। तो सभी साथियों के जो हमारे एप्लीकेशन स्टेटस या जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है। आप जल्दी से जाके अपना एडमिट कार्ड वगैरह चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो रिटर्न का प्रोसेस है वो आपका 15-16 तारीख से ही नवंबर से शुरू होने वाला है। यदि आप अपना एडमिट कार्ड देखने में देरी कर लेंगे तो हो सकता है कि आपका टेस्ट पहले ही हो जाए, इसलिए आपको टाइमली अपना एडमिट कार्ड चेक कर लेना है साथियों। यहाँ पर मैं आपको यहाँ प्रूफ भी आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर ही आपका किसी लड़के का जो हमने डाउनलोड किया है, आप देख सकते हैं स्टेटस के बारे में। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी, रोल नंबर, नेम वगैरह सब कुछ आ चुका है। ये फादर नेम, आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं, इनको हमने ब्लर कर दिया है। और आप यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट डेट देख सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट यहाँ पे देखे रखी है 1/12/2021, यानी कि जो है आपका टेस्ट 100% एसएससी का नवंबर से शुरू हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका टेस्ट यानी कि 16 नवंबर से ही शुरू हो चुका है, इसलिए आप जल्द से जल्द जाएं, वेबसाइट पे जाएं और अपना आप देख सकते हैं। वेबसाइट पे जब आप जाएंगे तो इस तरीके का लिंक वहाँ पर खुलेगा, वहाँ पर आप अपना डिटेल्स वगैरह फिलअप करके आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक प्रोवाइड करवा देंगे, जहाँ पर जाके आप जो है इसका एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों आप देख सकते हैं कि जो टेस्ट है हमारा 14 नवंबर से शुरू होने वाला है, तो आपको कोई भी डेट मिल सकती है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है कि जिसने पहले भरा है उसका पहले आ जाएगा, लास्ट में भरा लास्ट में आ जाएगा, कोई लॉजिक नहीं है। ये टोटली कंप्यूटर बेस्ड आपके लिए जो एडमिट कार्ड निकले हैं, आप देख सकते हैं एग्ज़ाम की डेट दी है, शिफ्ट मॉर्निंग की दी है। और जो एग्ज़ाम है वो आपका दो शिफ्टों में होने वाला है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, एक इवनिंग शिफ्ट में होगा। और जो टाइम रिपोर्टिंग आपको देखिए मॉर्निंग शिफ्ट का 7:30 दिया है और एंट्री आपकी 8:30 बजे बिल्कुल क्लोज कर दी जाएगी। तो साथियों जल्द से जल्द आप अपना जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस जरूर चेक कर लें, ऐसा ना हो कि आप स्टेटस बाद में चेक करें और आपका जो रिटर्न टेस्ट पहले हो चुका हो, फिर उसका फिर कोई इलाज नहीं है। साथ ही साथ थोड़ी सी रिटर्न की जानकारी मैं आपको देना चाहूं तो एसएससी जीडी का जो टेस्ट है आपका वो टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। 100 मार्क्स की बात करें जिसमें आपको 25 नंबर का हिंदी, 25 नंबर का रीजनिंग, 25 नंबर का मैथमेटिक्स और 25 नंबर का टोटली जीके आपको आने वाला है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स स्कोर करने होंगे। वैकेंसीज की बात करें तो लगभग हमारे 25,000 के आसपास टोटल वैकेंसीज एसएससी जीडी में हमारी बनती है, ठीक है। तो इन वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, इसके बाद जो है कट ऑफ जो जाएगा, कट ऑफ के बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, उसी के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो साथियों आपको ध्यान रखना है कि आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग में आप बहुत ही अच्छा अपना रिविज़न शुरू कर दें, क्योंकि वहीं से आपका मेरिट जाने वाला है, क्योंकि 50 नंबर का आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग ही आने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपका टेस्ट अच्छा जाएगा, साथ ही साथ आप तैयारी भी अच्छी ही कर रहे होंगे। साथियों यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। साथ ही साथ हमारी तरफ से आपके रिटर्न टेस्ट के लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।